वेलकम टू मेधा एजुकेशन क्लासेस और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स माइंड बॉगलर क्विज की। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस क्विज के कुछ रूल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक नोटबुक लेके बैठना है, जिसमें आपको आंसर सॉल्व करते वक्त अगर आंसर सही है तो मार्क प्लस वन, अगर आंसर गलत है तो मार्क माइनस वन, और हाँ आंसर का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उसे आपको अपने नोट्स में जरूर लिख लेना है। आदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस और प्री और एसएससी और बैंकिंग, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए लेट्स प्रोसीड द सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर वन। आज का क्वेश्चन नंबर वन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीएम टू लॉन्च नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर फुट एंड माउथ डिजीज। इट इज 100% सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम। इट एम्स टू कंट्रोल फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलोसिस By 2030 with vaccination. Which of the following is true? आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। Either they are asking about true, false, correct or incorrect. आपको इन context पे ध्यान देना है कि true पूछ रहा है कि false पूछ रहा है, correct पूछ रहा है कि incorrect पूछ रहा है। मतलब या तो वो correct incorrect पूछ सकता है, या इस तरीके से लिखा हो सकता है कि true है कि false है। Options आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी 2 and 3, ऑप्शन नंबर सी यानी 1 and 3 दोनों करेक्ट है, और डी नन ऑफ द अबव। और इसमें एक ऑप्शन और बन सकता है कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, तो अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आंसर की बात करें, इसका आंसर है ए, पीएम टू लॉन्च नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर फुट एंड माउथ डिजीज। इसमें ऑप्शंस में इस तरीके से फेरबदल की जा सकती है, जैसे यहाँ पे दिया है कि 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, तो ऑप्शंस इस प्रकार से दिए जा सकते हैं कि ये इसमें सेंटर का 50% रेशियो है और स्टेट का 50% रेशियो है, कि 40-30 कुछ भी रेशियो दिया जा सकता है, यानी यहाँ पे रेशियो चेंज भी किए जा सकते हैं। तो यू हैव टू बी रिमेम्बर कि यहाँ पर 100% ये सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है। इसका आउटले कितना है, 12,652 करोड़ रुपए फ्रॉम 2019 to 2024, और इसका एम क्या है, to foot and mouth disease and brucellosis by 2025 with vaccination and eventually eradication by 2030. यानी इसका brucellosis करना है vaccination के through, कब तक, 2025 तक, और इसको eradicate करना है, यानी इसको खत्म करना है by 2030 तक। अब हम बात करते हैं question number 2 की। Consider the following about Great Indian Bustard. A 20-year plan is prepared by Government for Protection of Great Indian Bustard, IUCN. यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं सबको क्या करती है, स्टेटस प्रदान करती है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि इंडेंजर्ड है इस तरीके से, या लीस्ट इंडेंजर्ड है। ये कहाँ पे फाउंड होता है, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे मिलता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ये फाउंड होती है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे ट्रू पूछ रहा है। अब चलिए हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन को। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज आस्क्ड टू प्रिपेयर प्लान फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। किस लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, इन शेड्यूल वन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट याद करना है कि कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन द CMS कन्वेंशन, इन विच कन्वेंशन, इन CMS कन्वेंशन, इन अपेंडिक्स कौन सा है, इसका वन है, आइडेंटिफाइड एज द वन ऑफ द स्पीसीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑफ, ये भी पूछा जा सकता है, इट comes under which ministry? Comes under the Ministry of Environment and Forest. Next question. Consider the following about National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR. Set up under the Commission for Protection of Child Rights 2005, it works under the administrative control of Ministry of Home Affairs. The child is defined as a person in the 0 to 18 age groups. Which of the following is correct? The answer options are A, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, or D,
द आंसर इज सी, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीपीसीआर, ये एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, या इस तरीके से भी आ सकता है कि एनसीपीसीआर में सी स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर, इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ अंडर द विच मिनिस्ट्री, इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज वेल एज टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, स्मृति ईरानी। H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which one of the following disease? इसके options हैं। अगर हम बात करें H1N1 viruses, H1N1 virus क्या है, जैसे कि अभी आप जानते होंगे कि कोरोना pandemic फैला हुआ है, तो जो कोरोना है वो H1N1 virus का ही mutated रोग है, यानी H1N1 virus जो कि 2009 में फैला था, कहाँ से ये originate हुआ था, originate from China। तो इसने अपने अपने रूप को चेंज कर लिया है, चेंज इट फॉर्म, अब ये कोरोना वायरस के फॉर्म में है। तो ये किससे हुआ था, ये हुआ था स्वाइन फ्लू से। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, ये क्या है, फ्लू है। इन जून 2009 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO और WHO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, declared as the new strain of swine origin H1N1 as a pandemic. The strain is often called swine flu by the public media. आपको एक difference बताना है कि what is the difference of endemic, pandemic and epidemic. अगर pandemic की हम बात करें, endemic क्या होता है, मान लीजिए कोई country है, उसमें एक पूरा world है, उसमें एक पर्टिकुलर कंट्री में, अगर एक पर्टिकुलर कंट्री में पहुंचे पहले, अगर कोई भी बीमारी एक पर्टिकुलर कंट्री में फैले, उसको बोलते हैं एपिडेमिक, एंडेमिक। और अगर कोई पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, यानी हर जगह हो जाए, जिस समय कोरोना वायरस के हालात है, तो ये होती है पैंडेमिक। व्हाट डज द ब्लॉक इन द ब्लॉक चेन कंसिस्ट ऑफ, ट्रांजेक्शन डेटा, टाइम स्टैम्प, हैश पॉइंट, ऑल ऑफ द अबव। Answer is all of the above. So, चलिए, here we ending the session. Hope you like the session. अगर आपको session अच्छा लगा हो, तो please subscribe Medha Education Channel. और हाँ, don't forget to press like button. और हाँ, आपका जो भी comment हो, please उसको comment box में, आपका जो भी feedback हो, उसे comment box में जरूर बताइएगा. तो चलिए, हम session को end करते हैं. Thank you.